हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आज की एक और नई गेमिंग वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम खेल रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। यार दोस्तों, आज मेरे पास यार एक बहुत अच्छा आइडिया है भाई। मैं ये सोच रहा हूँ यार, नेबरहुड के अंदर भाई जितनी भी कार्स है ना, मतलब इसमें चाहे ट्रक हो, चाहे सुपर कार्स हो, कोई रेयरेस्ट कार हो या कोई लग्जरी सेगमेंट की कोई भी कार हो ना भाई, अपन चलेंगे यार नेबरहुड में और वहां से जितनी भी कार्स है ना भाई, सबको एक साथ परचेस करेंगे भाई। अब पता नहीं यार एक साथ कितनी कार्स अपन परचेस करने वाले हैं, और उन सारी कार्स को है ना भाई, मतलब ये मान लो कि मेरी इच्छा है कि उसको क्यों ना भाई, मतलब बिल्कुल रिजनेबल प्राइस अपन सेल करें। मेन मोटो तो ये है कि नेबरहुड से सारी कार्स को अपन परचेस कर लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से बार्गेन करके उनको बेचते हैं। और एक और चीज़ है कि भाई आज देखते हैं अपने को यार डॉज वाइपर मिलती है क्या। फटाफट से चलते हैं यार गेम के अंदर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा लो। अपन चलते हैं यार गेम में। आ गए हैं भाई अपन अपनी देखो कार डीलरशिप पे, ठीक है। अपने पास यार आज की तारीख भाई लगभग 4 मंजिल का यार एक तरीके से मान सकते हो कार डीलरशिप है, ठीक है। और अपने यार डीलरशिप के अंदर भाई कार भी एक से एक प्रीमियम कार्स यार। मैंने जो अपना लैम्बोर्गिनी का कलेक्शन था ना भाई, वेट मैंने उसको बेचा नहीं है यार, ये मैं सोचना मैंने बेच दिया भाई। लैम्बोर्गिनी के कलेक्शन का मैंने इस तरफ खड़ा कर दिया भाई। तुम देखो यहाँ पे लाइंस, अपने पास इतनी सारी लैम्बोर्गिनीज खड़ी है और यहाँ पे अपना माज़्डा RX-7 का कलेक्शन, ठीक है। और भाई मैंने सामने की तरफ यार निसान GT-R का कलेक्शन लगा दिया भाई। मतलब अपने शोरूम के बाहर से कोई खड़ा होकर देखेगा यार उसको फ्रंट में सारी एक साथ इतनी सारी निसान GT-Rs दिखेगी भाई, तुम देख रहे हो क्या गजब लग रही, ठीक है। ऊपर की तरफ पोर्श खड़ी है, धीरे धीरे करके पूरे 4 फ्लोर में सारों में सुपर कार्स भर देंगे भाई। हाँ, लेकिन आज का अपना जो मेन मोटो है ना वो है यार, मतलब नेबरहुड्स पर चल के अपन सारी सुपर कार्स को, सुपर कार्स नहीं भाई, कोई भी कार हो वहाँ पर, ट्रक वगैरह हो, कुछ भी हो, सबको बेचने वाले हैं, ठीक है। और मेरे पास एक चैलेंज और आया था भाई कि एक निसान GT-R को आप $10 में सेल करो, ठीक है। अभी कर देते हैं भाई हैंड टू हैंड, इसमें देर क्यों करनी है, ठीक है। आप लोगों ने बोल दिया तो भाई $10 में कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान सकता हूँ कि $10 में एक तरीके से बहुत सस्ती बिकेगी कार, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा अपने को लॉस लग सकता है, एक तरीके से काफ़ी महंगी कार है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो मैंने इसको 641 में बाय करी थी, ठीक है, 1243 इसकी वो है, लेकिन अपन कोई नहीं भाई, निसान GT-R जैसी कार तुम देख लो यार $10 में मैंने सेल पे लगा दी है यार। मतलब ये अपने आप में यार एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है, जो भी इस कार को यहाँ पे लेने आएगा, तुम सोचो यार ओनली $10 के अंदर उसको निसान GT-R मिलेगी, ठीक है। वो अलग बात है, अभी अपना ऑफिस क्लोज है भाई, इसको क्लोज ही रहने देते हैं। अपन सबसे पहले काम करते हैं आज, अपने को कैसे भी करके ना मतलब वहाँ पे चलना है अपने, क्या बोलते हैं, ओ हो नेबरहुड से अपने को यार मतलब जितनी भी कार्स वगैरह वहाँ पे सारी लेके आनी है और सबको एक साथ सेल करनी है। और भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो भाई कर दो यार फटाफट से, अपने को धीरे धीरे अपनी फैमिली बहुत बड़ी करनी है, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी जरूर दबा देना यार। यहाँ पे तो देखो कोई अच्छी कार खड़ी नहीं है। हाँ, अपन चल रहे थे नेबरहुड पहले, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ यार लगभग देखो मान लो 12:30 तो बज चुके हैं, ये अपना कंटेनर रस्ते में पड़ रहा है, क्यों ना अपन सोते हुए चल चले यार। सोने से अपने को ये फायदा होगा कि यार मतलब ड्रैग रेस वगैरह अपने को और मिल सकती है, ड्रैग रेस में हो सकता है कोई कार खड़ी हो भाई, इसको निसान GT-R को धीरे धीरे जाने दो, अपन बाहर से सो लेते हैं यार, कंटेनर के अंदर चलने की क्या जरूरत है भाई, बाहर से सो लेते हैं ना। $49,600 का मतलब पता ही नहीं भाई कैसे प्रॉफिट बता दिया यार, मतलब गेम स्टार्ट करो यार सीधा प्रॉफिट, समझ रहे हो भाई। गेम हो तो ऐसा हो, 5 बजे है ऑक्शन, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले अपने पास बहुत सारा काम है अपने को यार, सबसे पहले तो नेबरहुड में चलना है और अपनी यार, हाँ परफेक्ट, नेबरहुड में चल के जितनी भी कार्स है ना सारी परचेस कर लेते हैं। अब वो भाई अपने लक की बात है कि उसमें से कोई सुपर कार वगैरह भी खड़ी हो भाई, जितनी भी रेट की होगी ना, मैं सही बता रहा हूँ सबको मैं बाय करने वाला हूँ धीरे धीरे करके। देखो सबसे पहली कार आई है यहाँ पे, ये ठीक है, अपनी कार को यहीं खड़ी रहने दो, तुम ये देख लो इसको यहीं खड़ी रहने दो, अपन पैदल चलते हैं, इन मैडम से बात करते हैं। हेलो मैडम, हाउ आर यू मैडम, ये मान लो आपकी कार मैंने ले ली है, ठीक है, $26,000 बता दिया, ठीक है, इतने में बाय कर लेते हैं भाई इसको, वो अपन क्या करेंगे, ठीक है परफेक्ट। एक कार अपनी बाय हो चुकी है और फिर सामने वाली कार, इन मैडम से चल के बात करते हैं इनकी, तो यार एक हैचबैक सेगमेंट की कार है भाई, बहुत छोटी कार है, ठीक है, इनसे बात करके देखते हैं ये कितना बता रही है। हेलो मैडम, यार भाई इतनी सस्ती सस्ती कार से यार मैं तो ये ऐसी बाय कर लूँगा भाई, ठीक है, ये अपन ने बाय कर, तुम सोचो यार आज नेबरहुड्स वालों की भाई लॉटरी लग गई, ठीक है, ये दो कार यहीं रहने दो यार, यहाँ पे जाम लग गया, कोई नहीं, अपन अपनी वाली कार से और आगे देखते हैं भाई। यहाँ पे दो कार्स तो अपन ने बाय कर ली है, ठीक है, फिर पहले अपन इधर से देखते हुए चलते हैं, इस साइड से चलते हैं, हाँ परफेक्ट, दो कार यहाँ पे खड़ी है, इनको भी चल के बाय करते हैं। यहाँ कौन बैठा है, हेलो सर, हाउ आर यू सर, परफेक्ट, आपकी कार मैं ले यार, आपकी कार को सर मैं ले रहा हूँ, आप ये मान लो, आप मेरे को बताओ सर बिल्कुल सही प्राइस देना यार, बिल्कुल भाई, तुम देख रहे हो इतनी सस्ती सस्ती कार्स हैं यार ये, मतलब $10,000 की कार भी मुश्किल से नहीं हो पा रही भाई, इतनी सस्ती कार्स का करेंगे क्या अपन ले जाके यार, इनसे प्रॉफिट भी क्या जनरेट होगा, लेकिन कोई नहीं भाई, अपन ने बोला है तो मतलब नेबरहुड से सारी कार परचेस करेंगे तो करेंगे भाई, ये भी बहुत सस्ती है यार ये।
मतलब तुम देख लो, मैं बार्गेन भी नहीं कर रहा, मतलब सीधी कार को परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी अपन ने परचेस कर लिया और अपने को बैक साइड में चलना चाहिए, वहां चल के भी देखते हैं। अरे यार इधर से भाई, हमेशा यार में कंफ्यूजन हो जाता है लेफ्ट राइट में भाई, आधी कार जिसमें लेफ्ट में खुलती है और आधी राइट में खुलती है, ठीक है। कोई नहीं, इधर तो भाई कोई कार ही नहीं खड़ी यार भाई, ठीक है, आराम से। और इस तरफ इधर खूब सारी कार्स खड़ी होगी, ऑडी टीटी भी है भाई, ठीक है। यहाँ पे अपने को कार्स बहुत सारी मिलेगी, परफेक्ट। इसको यहीं खड़ी रहने देते हैं, इनसे बात करते हैं चल के। हेलो सर, हाउ आर यू सर? आप तो यार सूट वूट पहन के खड़े हो, बहुत बढ़िया सर। बताएं सर आप अपनी कार कितने में देंगे, इनकी डैमेज वगैरह? भाई मैं बार्गेन नहीं करूँगा, ठीक है। अरे यार इसमें क्या बार्गेन करें भाई, तुम कुछ सोच लो। ये भी अपन ने एक मान लो बाय कर लिए, और सामने वाली इसको भी चल के बाय करते हैं, ठीक है। इसको फटाफट से इनसे बात करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? बताएं सर आप सर। ओहो यार ये महंगी है, चलो कोई नहीं भाई, इसको बाय कर लेते हैं। महंगी है तो क्या हुआ, एक कार तो महंगी भी बनती है यार, ठीक है। और फिर अपने को ऑडी टीटी, भाई ऑडी टीटी भी चल के बाय करनी है। इन मैम से बात करते हैं। मैडम ऑडी टीटी ज़्यादा महंगी नहीं थी भाई, 29, ठीक है परफेक्ट। ये भी बाय कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। बिक जाएंगी यार ये कार, अच्छी खासी बिक जाएगी, तो प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। एक ट्रक भी है भाई। ये कौन सी कार है भाई? ये तो कोई यार छोटे सेगमेंट की कार है यार, शेवरलेट की है। ओके भाई ये भी, अरे यार मैडम आप लोग यार ज़्यादा ही थोड़ा पैसा ऑफर कर दो, मैं ज़्यादा भी दे जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये कौन है यार? भाई इन मैडम की चेयर देखो, तुम हवा में भाई, नीचे नहीं है। पता नहीं भाई क्या चल रहा है गेम के अंदर यार, ठीक है। इन मैडम से बात करते हैं। बताएं मैडम आप कितने में देंगे? अरे यार ये भी ट्रक भाई, ट्रक भी इतना सस्ता बिक रहा है यार। ट्रक तो भाई मेरे को यार क्या बोलूँ यार मैं, ठीक है चलो अपन ने ले लिया है, कोई नहीं। और उधर भी चल के देखते हैं, अपनी GTR वहीं खड़ी रहने देते हैं, क्योंकि 5 बजे ऑक्शन ही बता रहा, ऑक्शन में अपने को चल के कार्स वगैरह देखनी है यार। क्या और BMW भाई, BMW देखो महंगी होती है, ये एक तरह के लग्जरी सेगमेंट वाली कार है। और 90,000 भाई, ठीक है, मतलब इन मैम की तो लॉटरी लग चुकी है। मैं बार्गेनिंग करके, मुझे पता है बार्गेनिंग हो जाती अच्छी खासी, लेकिन नहीं भाई, नेबरहुड से सारी कार लेंगे तो लेंगे। और ये मान लो आज की नेबरहुड की अपनी लास्ट कार बची है, ठीक है। इनसे चल के मैडम से बात करते हैं। हेलो मैडम, हाउ आर यू? बताएं मैडम आप मेरे को कितना देंगे इस कार का? 62, ओके परफेक्ट, बाय कर लिया है। अब मैं ये देखता हूँ, देखो जैसे ये वाली अपनी कार है ना, इसको यहाँ पे चल, अरे यार ये भाई बैठना नहीं है यार मेरे को इसको टो करनी है भाई पहले। इसको एक काम करते हैं, देखो टो हो जाएगी, परफेक्ट। इस कार को अपन ने टो कर दिया है, जितनी कार अपनी टो वगैरह हो सकती है टो करते हैं, और कुछ रिपेयरिंग में जाती है तो रिपेयरिंग में भी भेज देते हैं। ये वाली कार भी अपनी टो हो जाएगी मेरे हिसाब से, परफेक्ट। दो कार इधर से टो हो चुकी है, ट्रक टो कर लेते हैं क्या भाई? इतनी सारी कार परचेस करी भाई, लेकिन तुम सोचो इन जो यहाँ पे जो बेचने बैठे थे ना यार, इनकी देख तरीके से मान लो तुम लॉटरी लग गई भाई, मतलब इन्होंने जो प्राइस सोची अपनी कार के लिए वही प्राइस इन लोगों को मिली भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे चैलेंजेस भी भाई गेम में कभी कभी करते रहना चाहिए, ठीक है। इसको भेज देते हैं और फिर चल के ऑडी टीटी, भाई ऑडी टीटी भी अपनी जा सकती है। अभी फिलहाल के लिए अपने पास इतनी ही कार जाएगी, कोई नहीं भाई, बाकी की जो कार्स हैं उनको धीरे धीरे अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको खड़ी रहने देते हैं एक बार के लिए। अब अपन सबसे पहले चलते हैं अपने शोरूम पे, क्योंकि ऑक्शन तो देखो 5 बजे है, और अपने को ड्रैग रेस में भी देखना है, क्योंकि मेरे को क्या भाई अपने जो टो करी ना अपन ने ट्रक वगैरह, वो सारे स्लॉट को खाली भी करना है, जिससे यहाँ की अपन और कार्स लेके जा सके, ठीक है। सबसे पहले मेरे को चल के देखना होगा, हाँ ड्रैग रेस आने वाली है, ड्रैग रेस में एक बार नज़र मार लेते हैं भाई, नज़र मारने में क्या दिक्कत है। कोई GTR वगैरह खड़ी हो, बच गई भाई GTR के, लेकिन ब्रेक सही काम नहीं करते यार, मैं तुमको सही बता रहा हूँ, ब्रेक बिल्कुल भी सही काम नहीं करते इस कार के। और नहीं यार एक भी कार अच्छी नहीं, अब मारेंगे ना और सीधा नॉस मार देंगे भाई इस कार पे। और अपने को अब चल के शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे देखना चाहिए, क्या पता भाई यार। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, और सब चीज़ें तो ठीक है यार, मेरे को तुम कमेंट करके बता दो भाई डॉज वाइपर क्यों नहीं आ रही यार। भाई मैं तो भाई सही बता रहा हूँ थक गया, मतलब मैंने तो एक तरीके से यार डॉज वाइपर से हार मान ली, तुम समझ रहे हो भाई, मैंने इतनी कोशिश कर ली है, डॉज वाइपर आती नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत। ये तो शुरू होती ख़त्म हो गया भाई, क्या था यार ये, कैसी आवाज़ थी इस कार की सुनी तुमने? GTR को $10 में बेचनी है, लेकिन उससे पहले मेरे को एक बार इस वाली कार्स को भी यहाँ पे लगाता हूँ मैं, देखो ठीक है। एक एक कार अपन सारी बेचेंगे, दो लैम्बोर्गिनी खड़ी ना भाई, इनको भी अपने को बेचनी है यार। ये लैम्बोर्गिनी भी बेचने के लिए लगी हुई है, क्योंकि ये अपन ने पिछली वीडियो में जीती थी, शायद कहीं ड्रैग रेस से जीती थी कहाँ से। ये ट्रक तो भाई बहुत ज़्यादा अपनी जगह घेरेगा, अच्छा एंटर इधर से होगा क्या इसमें भी भाई? ये ट्रक तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा भाई। अरे अरे भाई क्या है ये भाई, मेरे पास बचपन में साइकिल थी वो तीन, क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है भाई ये? भाई मेरे पास बचपन में साइकिल थी, मैं तुमको सही बता रहा हूँ, 3 टायर वाली, वही इससे तेज चलती थी यार, तुम समझ रहे हो भाई क्या। इसको भाई थोड़ी देर बाहर ही खड़ा रहने दो यार, ये क्या है यार भाई। अरे तुम सोचो यार, मैं करूंगा भाई, बार कुछ भी हो जाए ये जो ट्रक है ना यार, से ड्रैग रेस जरूर करूंगा भाई किसी कार से। तुम सोचो यार कैसा हो, क्या होगा,
इस ट्रक से अपन ड्रैग रेस करेंगे भाई। जो जो चाहता है ना कि इस ट्रक से अपन ड्रैग रेस करें यार, कमेंट में मेरे को जरूर लिखो भाई, जरूर इस ट्रक से ड्रैग रेस करके देखेंगे अपन कितनी देर में पहुंचते हैं भाई, पहुंच भी पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। जीतना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उससे अपन पहुंच ही पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ यार, क्या बोलूं यार, मतलब कोई नहीं भाई। लेकिन ओके, इसको अपन यहाँ लगाते हैं, कार अपने पास बहुत सारी हो जाएगी बेचने के लिए। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, और मैं सोच रहा हूँ अपनी GTR को भी यहीं रहने देते हैं, और अपने को शायद बस में चलना चाहिए, क्योंकि अपन कुछ कार को तो देखो टो वगैरह कर देंगे। ठीक है, टो कर देंगे, कुछ रिपेयर वगैरह में भेज देंगे, और जो बाकी की अरे भैया हाँ, और जो कुछ बाकी की कार्स है ना, अपन एक कार मतलब चला के भी ला सकते हैं भाई। अगर अपन अपनी कार लेके चलते तो अपन हैंग हो जाते। ठीक है, सामने खड़ी है दो कार, दो यहाँ से अपन कर लेते हैं टो। ढाई बज चुके हैं, अपने को 5 बजे ऑक्शन भी, ऑक्शन अपना भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑक्शन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी, ये कार कुछ अच्छे खासे पैसे दे के जाएगी। एक कार इसको यहाँ से टो कर लेते हैं, सामने खड़ी एक कार इसको भी टो करते हैं, ये उन बिजनेसमैन वाले सर की कार थी, और अपने पास एक लॉट खाली है। ठीक है, एक लॉट तो देखो खाली है, और एक अपन लेके भी चल सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे दो ही कार्स थी यार, शायद दो ही होनी चाहिए, तो भाई ठीक है, क्योंकि एक अपन ले चलेंगे खुद चला के, और एक को अपन टो कर देंगे यार। लेकिन पता नहीं भाई, कह नहीं सकते, मेरे को याद नहीं कितनी थी, क्योंकि जितनी भी कार्स थी ना भाई, तुमने देखा अपन ने सारी परचेज कर ली। सामने खड़ी भाई कुछ कार्स, ओके दो है क्या, हाँ यार दो है। मेरे हिसाब से ये वाली तो देखो अपने को भेज देनी चाहिए, इसको तो अपन भेज देते हैं टो ट्रक में, इसको परफेक्ट टो में टो कर देते हैं। ये वाली कार अपन लेके चलते हैं, क्योंकि अपने को ऑक्शन में भी चलना है, और मेरे को देखते हुए चलना है कि वहाँ पे कितनी कार्स रह गई भाई। ये परफेक्ट, ये फिर भी थोड़ी फास्ट है कार, ट्रक चलाने का भाई लेकिन अगला ही मजा है। ठीक है, यहाँ पे दो ही कार्स खड़ी है, कोई नहीं, इनको भी अपन टो कर लेंगे। लेकिन भाई मेरे को सबसे पहले ऑक्शन में चलना है, क्योंकि 5 बजे था अपना ऑक्शन। ठीक है, कैसे भी करके यार डॉज वाइपर मिल जाए भाई, क्योंकि मैंने देखा यार, देखो ना तो मेरे नेबरहुड के अंदर कोई सुपर कार्स वगैरह आती। ठीक है, सुपर कार्स छोड़ो, तुम ट्रक आ गया था अभी तुमने देखा, कमेंट जरूर करके बताना भाई इस ट्रक से ड्रैग रेस करें क्या, तुम बोलोगे तो ड्रैग रेस कर देंगे एक बढ़िया सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी अपनी एक ऑलरेडी कार खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को यहाँ पे पहले चल के टिकट ले लेना चाहिए, क्योंकि 4 बज चुके हैं। ठीक है, मैंने इनको बोला था मेरे को लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दो यार इसकी, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी मेरी बात। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन चल के बैठते हैं भाई इधर, आज यार इधर बैठते हैं भाई। हर बार अपन सीट बदल बदल के बैठ के देखेंगे, क्या पता भाई किसी बार अपना लक काम कर जाए। और ठीक है यार, माज़्डा RX, माज़्डा नहीं भाई यार, डॉज वाइपर मिल जाए। माज़्डा अपने पास फिर भी तुम मान लो 6-6 माज़्डा अपने शोरूम के अंदर खड़ी है। ठीक है, कुछ भी करके डॉज वाइपर चाहिए यार। और भाई तुमको कोई नया गेम पता हो ना जो अपन खेल सकते हैं, जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, कमेंट्स को भर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, मुझे नहीं पता कैसे भी करके वीडियो को लाइक कर दो यार। ठीक है, और कमेंट्स में जरूर बताओ अपन नेक्स्ट गेम कौन सा ट्राई कर सकते हैं, कोई अच्छा गेम आपको पता हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। और वेट करते हैं यार अपन ड्रैग रेस का, नहीं है ड्रैग रेस क्या करेगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैं कभी भी यार ऑक्शन में आता हूँ ना, मेरे को डॉज वाइपर मिलती, ड्रैग रेस में जाता हूँ डॉज वाइपर मिलती है, लेकिन उससे किसी कार से बेटर कार नहीं होती यार, वो पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, देखते हैं यार पहली कार कौन सी आती है, क्यों ना भाई, मैं सोच रहा हूँ अपन यहाँ से भी सारी कार्स ले लेंगे यार। मेरे हिसाब से काम करते हैं, चलो आज खेल ही लिया तो इस ऑक्शन से भी सारी कार्स ले लेते हैं। ठीक है, बताओ सर कितने दोगे, मैं ले लूँगा भाई, कोई भी कार आए मैं सारी ले लूँगा। ठीक है, ऑक्शन से भी अपन सारी कार लेने वाले हैं भाई आज, मेरे को क्या बहुत ज़्यादा खुश था, कोई दिक्कत नहीं, आज इन सब लोगों की लॉटरी लगा देते हैं एक तरीके से, ये मान लो मैं लूँगा भैया, कोई भी कार हो दे दो, ऑक्शन से भी आज सारी कार लेने वाले हैं, परफेक्ट। नेक्स्ट लाओ कौन सी, बक्की रिगर, तुम सोचो भाई इतनी सारी कार्स अपन अपने शोरूम में बेचेंगे यार, कितना तगड़ा प्रॉफिट जनरेट होगा। और इन सारी कार्स को मैं आज की सीढ़ियों में बेचने वाला हूँ, तुम देखना फिर उससे अपने को कितना प्रॉफिट जनरेट होता है, अपन को साफ कर कुरा के शानदार तरीके से, और ऐसे नहीं भाई मतलब ज़्यादा प्राइस में बेच देंगे, रिजनेबल प्राइस में बेचेंगे, जिससे कस्टमर्स को भी यार एक तरीके से मान लो मतलब अच्छी डील मिल पाए। ठीक है, साथ साथ में कस्टमर्स का भी ख्याल रखना जरूरी है भाई। ठीक है, और ऑडी टी टी अपने को एक वहाँ भी मिली थी यार, ऑडी टी टी आई थी भाई शायद, वहाँ मेरे को ध्यान है शायद ऑडी टी टी वहाँ भी आई थी। ठीक है, और इसको भी यार परफेक्ट भाई मैं लूँगा, कोई भी कार हो मेरे को लास्ट वाला शटर देखना है, उसमें डॉज वाइपर आती है क्या, डॉज वाइपर दे दो या कोई रेयरेस्ट सुपर कार दे दो भाई। नहीं यार ये तो भाई हुंडई की आ गई भाई, क्रेटा है कौन सी पता नहीं, सेंटा फी, ओके ये अपन ले लेते हैं, ये भी भाई ज़्यादा महंगी नहीं है लेकिन अपने को ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसको भी ले लेते हैं अपन। ठीक है, सारी कार्स इनको अपन भेज देते हैं चल के, धीरे धीरे सेल पे लगा देते हैं, परफेक्ट। अरे भैया दे दो मैं कह रहा हूँ भैया, मैं ले जाऊँगा इस कार को, अरे दे दो यार, इतनी क्या बार्गेन करनी भाई, परफेक्ट। ऑक्शन में से भी अपन ने भाई सारी कार्स ले लिए, तुम देख रहे हो इतनी सारी कार, ओ हो हो हो, ऑक्शन के बाहर देखो भैया क्या 8वां अजूबा चल रहा है। ठीक है, बक्की रिगर अलग ही अपने स्टंट करने में लगी हुई है, ये कार अपनी अलग ही एक टायर पे व्हीली वगैरह मार के आई है भाई, पता नहीं गेम के अंदर क्या चल रहा है भाई, तुम देख रहे हो यार
वो ट्रक देखो तो ट्रक अपना अलग ही मस्ती में है, ठीक है। पता नहीं भाई क्या है मेरे को, लेकिन एक चीज बताऊं भाई, मैं आज लोगों को मतलब जो कार्स लेंगे ना उनको मजा बहुत आ जाएगा। इस कार को भी एक बार मेरे हिसाब से यार, यहाँ भी इतनी सारी कार्स खड़ी भाई, मुझे नहीं लग रहा है शोरूम में कार्स महंगी। हाँ भाई इतनी मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन मैं बेचूंगा भाई कुछ भी करके। चैलेंज नहीं था भाई वो, मतलब मैंने सोचा था यार ऐसा करने के लिए कि जो भी ऑक्शन वगैरह में कार होगी आज अपन सारी ला के बेच देंगे, ठीक है। ट्रक मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि ट्रक का भाई मेरे को ड्रैग रेस का इंतजार है आपके कमेंट्स का, वो लोगे तो ड्रैग रेस करी जाएगी इस ट्रक से भी, ठीक है। और अरे यार मेरे को लग रहा है इनके अंदर भाई हीरो होंडा स्प्लेंडर का कोई इंजन वगैरह डाल रखा है भाई, इतनी धीरे धीरे चल रही कार के अंदर यार। ये तुम देख रहे हो कार कोई भी हो भाई, इतनी हल्की थोड़ी चलती है यार, इससे तेज तो भाई अल्टो चल जाती है यार, समझ रहे हो। और किधर, हाँ तो अपना ऑफिस है भाई, कार आएंगी किधर से मेरे को, एक बार कैसे भी करके अपनी सारी कार्स यहाँ ले आएंगे ना अपन, फिर अपने को कोई टेंशन नहीं भाई, ठीक है। और ये परफेक्ट, मैं चल के बैठते हैं। और भाई मैं तुमको एक चीज बताऊं तो भूल ही गया यार, रुको अभी दिखाता हूँ मैं तुमको। मैंने जब लास्ट वीडियो में खेला था ना भाई, जब मैं गेम को मतलब मान लो ऑफ कर रहा था ना, ठीक है, नेक्स्ट डे हो चुका था भाई, मुझे ध्यान नहीं पड़ा भाई एक ऑडी टीटी मिल, अरे यार ऑडी टीटी नहीं भाई, ऑडी आर एट मिली थी भाई, ठीक है। मैंने उसको इतना बढ़िया पेंट कराया, मैं चल के तुमको दिखाता हूँ। ये मान लो अपना ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे ऑडी आर एट का कलेक्शन है ना, उसमें ये जाने वाली कार, तुम इसका कलर देखो भाई क्या गजब लग रही है यार, ये ऑडी भाई ऑरेंज कलर की ऑडी आर एट है, ठीक है। इसको भी चल के अपने को पीछे एक बार लगा लेते हैं यहाँ पे, परफेक्ट बहुत बढ़िया। इसको इधर ही, अरे यार कोई नहीं, इसको अपने सामने खड़े करते हैं भाई शोरूम पे, मतलब लोगों को लगना चाहिए ना, मतलब कोई दूर से आए तो उसको तो लगे तो सही भाई, ये शोरूम के सामने कुछ अच्छी चीज खड़ी है। ये लास्ट कार है, वहाँ GTR खड़ी भाई, कार बहुत सारी हो गई है, ठीक है। अपने को कैसे भी करके इनको सेल पे लगानी है। मैं काम करता हूँ फटाफट से इन सारी गाड़ियों को ना यार सेल पे लगा के मिलता हूँ भाई तुमसे। भाई यार मैं नेबरहुड की तो देखो सारी कार्स लिया है, ठीक है, नेबरहुड की सारी कार्स आ चुकी है। वो ऑडी आर8 पे ध्यान मत देना, वो तो अपनी पहले की खड़ी थी, ये देखो ये वाली और ये मतलब जो मान लो नेबरहुड की कार्स थी ना वो तो मैं सारी ले आया। अब अपने को लेके आनी भाई, ट्रक भी गंदा हो गया बाहर खड़े खड़े, ठीक है। अंदर की कार्स तो अपना एम्प्लॉय साफ कर देता है, लेकिन भाई बाहर की कार का अपन कुछ नहीं कर सकते। और ये वाली जो कार्स है ना यार, इन कार्स को भी अपने को टो कर देनी चाहिए कुछ को, मैं देखता हूँ यार। ये देखो भाई, लेकिन एक चीज बताऊँ, गंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको अपन टो कर सकते हैं क्या? परफेक्ट, ये टो हो गई, इसको भी टो कर देते हैं। और अभी भी यार यहाँ पे कार्स खड़ी, कोई नहीं, वो अपने को सारी एडजस्ट करनी पड़ेगी, एक बार इसको भी लेके चलते हैं। अरे यार ओहो भाई ये तो फास्ट है यार, भाई ये कार बहुत बढ़िया है। कौन सी है? छोटी कार है लेकिन चल रही बहुत बढ़िया है भाई, मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया चल रही है भाई, ये कार शानदार है। इसको अपने को यहाँ पे लगाते हैं भाई, कार्स बहुत सारी है, अपने पास जगह भी तो होनी चाहिए सेल करने के लिए। मैं मानता हूँ अपने पास शोरूम बहुत बड़ा है भाई, लेकिन सेल करने के लिए अपनी कार्स को अपन को नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑडी टीटी को भी एक बार अपन अंदर खड़ी करते हैं, धीरे धीरे चल के प्यार से लेके चलते हैं इस ऑडी टीटी को। और कौन सी जगह लगाएं इसको, इसको अपने को वहां लगानी चाहिए मेरे हिसाब से, GTR के बगल में चल जाएगी क्या यार, इतने से गैप नहीं, परफेक्ट। ओहो भाई तो ऊपर चढ़ नहीं जा रही भाई, ये नहीं जा रही वहां पे, इसको अपने को इधर खड़ी कर देते हैं, प्यार से चल के इसको इधर लगा देते हैं। और कौन सी है, और बाहर की तरफ खड़ी है भाई कार्स कुछ और अपनी, ठीक है। ये BMW खड़ी थी मेरे हिसाब से, और ये रही, परफेक्ट। दो कार ये हैं, इनको चल के परफेक्ट इसको ले लेते हैं एक बार। और कुछ कार्स है ना, मतलब एक कार वहाँ रह गई अपनी बक्की रीगर, और दो अपनी लगी हुई थी रिपेयरिंग के लिए भाई, उनको रहने देते हैं, उनको अपन बाद में बेच सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास अभी स्पेस की कमी पड़ेगी भाई, फिर कस्टमर्स वगैरह आएंगे तो उनको स्पेस भी तो होना चाहिए ना यार कार देखने के लिए, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो भाई। और लास्ट कार और रह गई, मैं एक बार उसको भी और अंदर लगा लूँ, फिर उसको अपन देखो सबको क्लीन करके बढ़िया तरीके से इनके ऊपर प्राइस मतलब वो लगाते हैं सेल पे, ठीक है। फिर देखते हैं भाई कस्टमर्स जो उनको लेके जाते हैं उनको कितना प्रॉफिट जनरेट होता है। अपनी ऑडी मतलब ऑडी टीटी तो एक तो बाहर खड़ी है, और एक निसान GTR ग्रीन वाली जो अपन चला रहे थे ना वो भी बाहर खड़ी भाई, तो उसका कलर देखो लेकिन क्या गजब लग रही है, ठीक है। ये भाई साफ सफाई नहीं कर रहा क्या एम्प्लॉय, पता नहीं क्या दिक्कत है यार, साफ सफाई नहीं हो रही अपने शोरूम के अंदर। मेरे को फटाफट से गन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अपन यहाँ से साफ करते हुए चलते हैं, BMW को अपन चमका देते हैं इसको, BMW नहीं भाई Lamborghini, ठीक है। कार के नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है भाई बोलते बोलते, क्योंकि इतनी सारी कार्स है ना, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी सारी कार्स हो चुकी है, बोलने में कन्फ्यूजन हो जाता है भाई। कार इज नाउ क्लीन हो चुकी है, ये छोटी सी कार, इसको भी क्लीन कर देते हैं, मेरे हिसाब से क्लीन ही हो गया। अरे यार ये इसको भी क्या क्लीन करनी पड़ रही है भाई, पता नहीं क्या है भाई ये, ठीक है। एक मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसको भी साफ करने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने को वैसे भी $10 में बेचनी है वो, ठीक है, उसको $10 में बेचनी है, इनको जरूर थोड़ी क्लीन कर देते हैं तो परफेक्ट। लास्ट कार इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, क्लीन क्या करनी, बेच देते हैं यार, जितने में भी लेके जाएंगे मतलब जितने भी प्रॉफिट में बिकेगी इनको बेच देते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा गंदी है, इसको अपन क्लीन कर लेते हैं। हाँ ये थोड़ी गंदी है क्योंकि भाई बड़ी कार है, मुझे लग रहा है इससे प्रॉफिट अच्छा खासा अपने को जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ से गंदी रह गई यार, सामने का मिरर गंदा है भाई कार का, तुम देख रहे हो
सनरूफ गंदी है भाई कार की, और कहां से गंदी हो रही है यार, ये पूरा बम्पर वगैरह सब गंदा है भाई इसका, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है भाई कार तो। परफेक्ट, ये भी क्लीन हो चुकी है, स्किल पॉइंट भी आ चुका है, वो रहने दो। अब अपन अब अपन लगाते हैं कार को चल के सेल पे, ठीक है। नीचे नीचे चलते हैं, देखो सबसे पहले NG5, ठीक है। NG5 अपन लाए 43 में, 79 में जा सकती है, 43 में लाए, काम करता है अपन इसको $60,000 में। अरे यार भाई, ये $60,000 में बेचते हैं इसको, ठीक है। इसके अपन ने $60,000 लगा दी, एक तरीके से बिल्कुल रिजनेबल प्राइस लगाई अपन ने, कि शेवरलेट की कोबाल्ट वगैरह 7.5 की लाए थे, 13 तक जाती है। परफेक्ट, इसको अपन बेच देते हैं 10,000 में भाई। मतलब कस्टमर्स को एकदम रिजनेबल प्राइस में कार वगैरह सेल करो भाई, जिससे मतलब वो बाहर जाके लोगों को बोलेंगे यार कि मतलब उस डीलरशिप से आप कार लो, अच्छी डील मिलती है। इसको अपन लगा देते हैं $11,000 पे, ठीक है। सिट्रन A4 भाई साहब, सिट्रन की कार वगैरह भी आती है, इसमें 9,000 बता रहा है, 5,000 में लाए थे इसको, परफेक्ट 7,000 में लगा देते हैं। मतलब एक तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट अपन कमा ही नहीं रहे, मान लो जिस भाव में लाए ना उनमें बेच रहे हैं, 6 की लाए थे, 12 में जा रही है, काम करते हैं इसको, ठीक है। और कोडेक स्कोडा की होगी भाई, वो ऑक्टाविया वगैरह, हाँ कोडेक क्या होती है, 48 में जा सकती है, 26 की लाए थे, ठीक है। इसको अपन 40 के लगा सकते हैं, ठीक है, इसको अपन को 40 की लगा देनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट प्राइस है इसके लिए। ऑडी RR नहीं भाई, अच्छा हुंडई की है कोई, और नहीं मेरे हिसाब से लग चुकी है भाई सारी, ये अब कौन सी रह गई, ये लग गई क्या भाई, ये तो लगी नहीं यार, कुछ कार्स तो अब इसमें से सेल पे लगी नहीं भाई, नहीं ये लग गई और ये लग गई, ये तो अपनी लगी हुई थी, ठीक है, ये दोनों लग गई है। और ये वाली लैम्बोर्गिनी नहीं लगी क्या, नहीं लैम्बोर्गिनी नहीं लगी भाई, छोटी वाली ये कार भी नहीं लगी है, और ये तो सब लग चुकी है, कुछ कार्स नहीं लगी भाई, लैम्बोर्गिनी नहीं लगी, ऑडी TT नहीं लगी भाई, अभी भी काफ़ी कार्स बाकी, ठीक है, मेरे को उनको भी सेल पे लगाना भाई, दिखी क्यों नहीं वो सेल पे लगाने के लिए यार भाई। अरे खोल दो यार वेब पेज, इतना क्या टाइम लगा रहे हो उसके अंदर भाई, ठीक है, ये लग चुकी है सेल पे, ऑडी नहीं लगानी भाई, ये हुंडई की कार बता रहा अपने अंदर नहीं, लैम्बोर्गिनी कुंटाजी वाली नहीं बेचनी भाई, ये वाली जरूर बेचनी है मेरे को $0 में, ओके अपन ने सेल्स में दी थी 832 बता रहा है अपने को, ये 7 में बेच देनी थी, ठीक है, 7,000 70,000 7,00,000, ठीक है, परफेक्ट है इसके लिए। और ये वाली के लिए अपने को 330 में लाए थे, 7,47, ये भी अपने को 7 में बेच, 70,000 7,00,000 इसकी लगा दी है। और रिसान GTR हो गई, माजडा हो गई भाई, काफ़ी कार्स तो यार मतलब वो दिखी नहीं रही उसमें, क्यों नहीं लग रही वो सेल पे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। Porsche है, ऑडी है, माजडा है, और Lamborghini वगैरह है भाई, क्या दिक्कत है उन कार्स में, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। ऑडी R8 का अपन मान सकते हैं, लेकिन भाई और कार्स तो सेल पे लगाई ना अपन ने, वो क्यों नहीं दिख रही इसके अंदर, पता नहीं भाई क्या चक्कर है यार। कोई नहीं, अपन उनको मतलब जो नहीं भी किए उनको बाद में बेच लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अपने को अब चल के देखो ऑफिस को ओपन कर देना चाहिए, जिससे कस्टमर्स वगैरह आए ना उनको सारी कार्स बेचते हैं, देखते हैं कितने में ले लेके जाते हैं, मतलब इसके बाद में भी लोग बार्गेन कराते हैं, कस्टमर जिंदा ऑफिस, पहले ही कस्टमर आ चुके हैं, ठीक है, देखते हैं सर वगैरह कौन सी कार लेके जाते हैं। मुझे लग रहा है भाई अपने शोरूम में आज लाइन लगने वाली है, इतनी सारी कार सेल पे, मतलब नेबरहुड से जो अपन ने कार्स ली ना वो तो सारी सेल पे एक साथ लगा दी, ठीक है। उस सर किधर आए हैं बताओ सर, आप कौन से, ओके भाई सर कौन सी लेने आए भाई, सर कार के आर पार हो गए भाई, भाई साहब ये जादू है सर के अंदर, ये लेने आए हैं कौन सी, मुझे नहीं पता कौन सी लेने आए हैं सर, इतना घूम के क्यों आ रहे हो आप लोग, वैसे भी तो आ सकते हो यार, पता नहीं भाई सर के क्या, तुम देख रहे हो कितना घूम के जा रहे हैं सर, सर कौन सी लेने, और भैया इतना घूम के आए हैं भाई सर, ठीक है, हेलो सर हाउ आर यू, बताएं सर आप, काफ़ी ज़्यादा घूम थक के आए हैं सर, आप चाय वाय लेंगे कुछ पानी वगैरह सर, 6 की बता रहे हैं, काम करते हैं सर को अपन 670 का ऑफर देके देखते हैं, 670 में लेके जाते हैं सर, 670 परफेक्ट है मेरे हिसाब से, आप ले सकते हो इतने में, कॉन्ग्रेचुलेशन हो चुका है, ठीक है। जिन मैडम से बात करते हैं, हेलो मैडम हाउ आर यू, मैडम ओनली $11,000, आप बताएं मैडम मेरे को इसका कितना पे करेंगे, ओके आप बिल्कुल पे करने को तैयार, इनको मैडम को सेल कर देते हैं। एक सर ये खड़े हैं छोटी वाली कार लेने के लिए, इनसे बात करते हैं, हेलो सर हाउ आर यू, सर $9,000 है सर, बिल्कुल परफेक्ट कार है, 82 दे रहे हैं सर, एक काम करते हैं बार्गेनिंग करके इनको 8.5 में दे देते हैं यार भाई, $8,500 परफेक्ट है मेरे हिसाब से इतनी, ठीक है 8.5 में लेके जाएंगे, परफेक्ट लेके जा चुके हैं। ओहो हो इसको दे भाई, कन्फ्यूजन है, चलो मैम को ही दे देते हैं यार, GTR तो भाई क्यों नहीं लेगा कोई $10 में यार, इस कार को तुम खुद सोचो यार भाई, जिसका भी चैलेंज था कंप्लीट हो चुका है, $10 में अपन ने निशान GTR को ये मान लो ये सेल कर दिया, ठीक है भाई, निशान GTR के लिए मैं मान सकता हूँ, इतने कस्टमर्स आना वाजिब भी था भाई, $10 में GTR जैसी कार मिल रही है भाई, तुम सोचो यार $10,000 लगाए थे और ये परफेक्ट, ये देने को तैयार है मैडम, इनको भी बेच दिया है, और इस कार के लिए मैडम खड़ी है यहाँ पे, हेलो मैडम हाउ आर यू, बताएं मैडम आप इस कार का कितना देंगे मेरे को, $60,000 लगाए मैडम मैंने और आप देने को परफेक्ट यार, मतलब इसका मतलब ये मान लो इनको बिल्कुल परफेक्ट डील मिल रही है अपने शोरूम के अंदर से, ठीक है,
लैम्बोर्गिनी लेने के लिए भी कस्टमर्स खड़े हैं, आप इनसे बात करते हैं। 7 लाख, हाँ ठीक है, बताएं सर आप कितना देंगे। मेरे को 635 लगाइए, बार्गेनिंग करके 6.5 में दे देते हैं यार। मेरे को देनी भाई आज क्या कि दे देते हैं इनको, ठीक है आज आज के लिए मान लो अपने शोरूम के अंदर सेल चली थी, मतलब अपन रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं इनको कार्स वगैरह, मतलब सस्ती भी नहीं तो महंगी भी नहीं, मतलब ये लेके जाएंगे तो इनको ऐसे पैसे दुखेंगे नहीं देते हुए, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट प्राइस अपन इनको दे रहे हैं 38। ठीक है मैडम ले जाओ कोई नहीं, $1,000-$1,000 में क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार, ठीक है। कस्टमर इन द ऑफिस बता रहे हैं, अब कौन सी कार रह गई भाई सेल होने के लिए, अभी भी कुछ कार्स रह गई मेरे हिसाब से, ठीक है उनको भी अपन लेके आएंगे। कस्टमर जिंदा ऑफिस बता रहे हैं, फिर बाहर वाली कार्स है ना यार उनको भी मैं लेके आऊँगा अभी अंदर, उनको भी लाके सेल करनी है और इनसे बात करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू, बताएं सर आप मेरे को, आप कितना देंगे सर। $7,000, ओके ओके, आप सेम देने को तैयार हैं, ठीक है। सारी कार्स बिक चुकी है, अब कुछ ही कार्स रह गई है, मतलब उनको भी अपन लाके सेल कर देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है उससे पहले अपने को एक बार ड्रैग रेस वगैरह में चल के देखना चाहिए, क्या पता कोई कार वगैरह और खड़ी हो, अपन अपनी GTR लेके चलेंगे भाई, क्योंकि यार अपने को मतलब ऑक्शन में भी एक तरीके से देखना है यार, डॉज वाइपर लेनी है कैसे भी करके, वो अलग बात है आती नहीं है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। बक्कीरी घर वहाँ पे डांस कर रही है, तुम देख रहे हो ठीक है एक टायर पे, और अरे भाई भाई प्लीज़ प्लीज़ क्रैश मत होना यार, खर्चा बहुत महंगा आ जाता भाई, गाड़ी क्रैश हो जाती तो तुम समझ सकते हो यार, ठीक है। और एक बार कंटेनर में चल के और देखते हैं, कंटेनर में रोक लो भैया आराम से यार, इतना ज़्यादा लैग क्यों कर रहा है भाई गेम, रोक लो यार, ब्रेक नहीं लगते भाई GTR के, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगते भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ब्रेक के अंदर, मतलब ब्रेक लगाओ ब्रेक लगेगा ही नहीं, ठीक है। इधर चल के एक बार स्लीप कर लेते हैं, ओहो तुम प्रॉफिट देखो भाई, इतना तगड़ा प्रॉफिट तुम देख सकते हो, तुम्हारे सामने है भाई, ठीक है। मतलब और अपन ने उनमें ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाया भाई, मतलब एकदम रिजनेबल प्राइस के अपन लोगों को गाड़ी बेची, आज तो कुछ बता भी नहीं रहा, ठीक है भाई, ना तो कोई ऑप्शन वगैरह बता रहा है, ना ही ये कोई कार मार्केट प्लेस ओपन वगैरह बता रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार नेबरहुड में भी नज़र मार के चलेंगे भाई, क्या इस बार कोई सुपर कार आ गई क्या, नेबरहुड रास्ते में आ ही रहा था तो नज़र मारने में क्या दिक्कत है, नहीं भाई इधर तो कोई सुपर कार खड़ी नहीं भाई, पता नहीं यार मेरे वाले इसमें सुपर कार क्यों नहीं आती भाई, सब नॉर्मल कार आती है या फिर कुछ लग्जरी सेगमेंट्स की कार आती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ड्रैग रेस में एक बार और देख लेते हैं, नहीं तो उसके बाद में अपने भाई अभी कुछ कार्स और खड़ी है जो अपने को $0 में बेचनी है, ठीक है। नहीं नहीं प्लीज़ 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 प्लीज़, राइट फेंडर की बज चुकी है बैंड, बैंड बज गया है जी शादी का, ठीक है। और इधर 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 परफेक्ट, नॉस मारो ना सीधे, क्या दिक्कत है कार के अंदर। कुछ कार शायद अभी भी खड़ी होगी अपने को सेल करने के लिए, मेरे को पहले वो लेके आनी है यार। उधर सामने दो कार्स खड़ी है, देखो उनको भी अपन टो कर लेते हैं। सामने एक तो ऑडी TT मेरे को दिख रही है और एक कुछ SUV सेगमेंट जैसी कार है, पता नहीं कौन सी है, इसको भी अपन ले जाके एक बार टो कर देते हैं, टो कर देते हैं और टो कर देते हैं। अब अपन पैदल यार, तो मेरे सामने से लेकिन डीलरशिप देखो भाई, 1, 2, 3, 4 माले की डीलरशिप है, ठीक है। कार इतनी नहीं है, कार एक्चुअली इसलिए इतनी नहीं है, मैं सुपर कार्स में डील करता हूँ भाई, नॉर्मल कार्स लाऊं तो यार मैं सारी बेच सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो ही कार खड़ी है, इनको ले जाके एक बार इनको भी मतलब अपने को सेल पे लगानी है, ये दो कार ही रह गई थी। ये कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है भाई, तुम गाड़ी देख रहे हो, वो मुझे ही नहीं पता ऊपर कार लटक कैसे गई हवा के अंदर, ठीक है। इसको अपने को टो कर देते हैं, और ये वाली कार में अपन बैठेंगे कहाँ से भैया, बैठने दो यार, बैठने का कहाँ है भाई, पता नहीं बैठने का कहाँ है भाई, रिपेयर में जाएगी वो सीधी, कोई दिक्कत नहीं, बक्की रीगर चली गई है रिपेयर में। अब जो बाहर कार्स खड़ी है ना एक दो, उनको भी अपन अंदर लगाते हैं और उनको भी कुछ रिजनेबल प्राइस में अपन सेल करते हैं, ठीक है। आज के लिए अपने मतलब शोरूम के अंदर इतनी अच्छी सेल लगी हुई, मतलब जो भी कस्टमर्स आ रहा है ना वो हैप्पी हैप्पी होके जा रहा है भाई, ठीक है। 3-3 कार्स खड़ी है, और यहाँ से सबसे पहले अपन लेते हैं एक क्रेटा। इस क्रेटा ये भाई शायद ये हुंडई सेंटा फी वगैरह है या क्रेटा है, मतलब कुछ भी हो, कुल मिला के बात ये SUV सेगमेंट की कार है, कि जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है भाई, मुझे SUV कार्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे लगा देते हैं, और कुछ बाहर कार खड़ी है, एक दो उनको भी अंदर लाते हैं और बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में बेचते हैं। ऑडी TT है, ऑडी TT को अपन अच्छे खासे प्राइस में बेच सकते हैं ऐसा मेरा मानना है, लेकिन बिकती नहीं, ऑडी TT की डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं फिलहाल में अपनी डीलरशिप के अंदर। और ट्रक को तो भाई, ट्रक अपना एंटी ट्रक है एकदम, ठीक है। ये ट्रक ऐसा है इसको अपन म्यूजियम वगैरह में रख सकते हैं भाई, हिलता ही नहीं इसके अंदर, इंजन है नहीं, पता नहीं मुझे नहीं पता क्या है भाई, बिल्कुल ही नहीं हिलता। इससे ड्रैग रेस करने की इच्छा है, अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट्स में लिखेंगे तो हम ड्रैग रेस करी। ये कार इसी ट्रक की बहन है भाई, ठीक है, ये देख रहे हो तुम, मतलब आवाज इतनी तगड़ी है लेकिन चलने के नाम पे बिल्कुल जीरो है भाई, बिल्कुल जीरो। वो ऑडी TT अपना मैकेनिक, ये तो ऐसे लग रहा है भाई साहब जहाँ पे कहीं सड़क पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, ट्रकों में आवाज़ आती गेंग, ऐसे वैसी आवाज़ आ रही थी इस कार के अंदर से, ठीक है।
मेरे को एक बार वापस से चल के और टैबलेट दो भैया, अब अपने पास कौन सी कार रह गई यार सेल करने के लिए। हुंडई की बता रहा है कोई, सेंटा फी वगैरह 33 है, 60 अपने काम करते हैं इसको, 45,000 परफेक्ट है इस कार के लिए। ऑडी टी टी 31,51 एक काम करते हैं, 40 में बेचनी भाई, $40,000 परफेक्ट है इसके लिए। और लॉर्ड की है, लॉर्ड लोकस की कौन सी कार है पता नहीं भाई मेरे, इसकी मेरे हिसाब से $11,000 ही रखनी चाहिए अपने को, $11,000 परफेक्ट है। और सिट्रन की कार है भाई, ये अपन बेच सकते हैं, देखो $8,000 इसकी लगा देते हैं अपन, ये बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है। PMM 90 ये हुई ना भाई कुछ बात, इसको मैं ज़रूर बेचूंगा 1:10 में, मतलब ये 110,000 ये मेरे हिसाब से इसके लिए परफेक्ट है। और एक शेवरलेट की भाई कार बहुत सारी है भाई, 5-8 इसको 7 में भाई, मतलब आज तो ये मान लो इन लोगों की एक तरीके से लॉटरी लग गई, ठीक है। ऑडी टीटी, एक और ऑडी टीटी है 29 की बताइए, 48 अपन इसको बेच सकते हैं 30 में, ये तो बिल्कुल परफेक्ट अपन रिजनेबल प्राइस में बेच रहे हैं अभी भी कार से भाई। एक तो हुंडई की है ये 22 है, ये 45 है, इसको अपन 30 में बेच सकते हैं और ये 30 लग चुकी है। लास्ट है ऑडी R8, इस ऑडी R8 को मैं बेचूंगा 960, ये अपनी 8 में बेचेंगे, इसको तो 800,000 में बेच सकते हैं, परफेक्ट लग चुकी है। आप अपन सारे कस्टमर से चल के डील करते हैं, किक करके कस्टमर्स की, मतलब ये लाइन लगना चालू हो चुकी है। हेलो सर, बताएं सर आपको कार कैसी लगी। कार बहुत बढ़िया सर आपको, चलो एक काम करते हैं, आप हमारे डीलरशिप से आज कार लोगे ना सर, आपको शुरू की 5 सर्विस फ्री मिलेगी, ठीक है, 5 कार सर्विस फ्री मिलेगी और वॉशिंग कूपन भी मिलेगा, लेके जाओ सर, आपसे क्या बार्गेनिंग करेंगे $500 के लिए, ठीक है, परफेक्ट प्राइस दे दी थी सर ने अपने को। इनसे बात करते हैं BMW की, अपन ने 1:10 लगाई है, ठीक है, सर कितना देने को तैयार है यार, परफेक्ट इस बिल्कुल सेम प्राइस देने को तैयार है, वो भी अपन ने बेच दी है। और ये वाली कार, हेलो मैडम हाउ आर यू, पता है मैडम आप मेरे को इस कार का कितना देंगे, $11,000 लगाए और मैडम आप बिल्कुल सेम देने को तैयार है भाई, तुम देख रहे हो, मतलब कस्टमर को बिल्कुल रिजनेबल प्राइस दो भाई, कस्टमर आराम से लेके जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ठीक है। बताएं मैडम आप मेरे को इस कार का कितना देंगे, $7,000 लगाए थे और आप मेरे को, भाई यार ये भी बिल्कुल परफेक्ट दे रही है मैडम, तुम देख रहे हो यार, मतलब बिल्कुल परफेक्ट प्राइस मिल रही है अपने को, इसका मतलब अपन ने बिल्कुल सही बार्गेनिंग वगैरह अपने करने को आ गई है, ठीक है। 30,000 देख रहे हो तुम, मतलब ये तो हो सकता है मैं इनको सस्ती बेच रहा हूँ, ठीक है। इनसे बात करते हैं, बताएं मैडम आप कितने में लेके जाएंगे इस कार को। मैडम सिट्रन की कार है, लेके जा सकते हैं आप, काफ़ी रिलायबल है, ठीक है, $8,000 मेरे हिसाब से मैडम भी बिल्कुल सेम प्राइस दे सकती हैं। और एक ऑडी टीटी बची है और एक ऑडी R8 बची, दो कार बची है सेल के लिए। ऑडी टीटी बताएं मैडम, ये पूरी डर्टी ले, मुझे लग रहा है मैडम इसके पैसे कम देगी, मैडम ले रही है भाई बिल्कुल परफेक्ट प्राइस में, मैडम ने ले लिया। लास्ट कार बची है ऑडी R8, अरे यार अभी तो एक ऑडी टीटी और बची भाई, ये पूरी क्लीन हो गई, लेकिन तुम देख रहे हो ये वाली ऑडी टीटी पूरी क्लीन हो गई, पहले अपन ऑडी टीटी क्लीन करते थे भाई गंदी रहती थी, ठीक है। $30,000 मैडम बिल्कुल परफेक्ट है, आप लेके जा सकते हो सेल, ठीक है। अब देखो यार ये लास्ट कार रह गई भाई, कुछ भी करके लास्ट कार और बिक जाए, और स्किल पॉइंट अपने पास एक ही है, ठीक है, ये 2 पे अपग्रेड होगा। और क्या है भाई वॉश स्पीड वगैरह का कोई नहीं है, 2 जान दो अपन जब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर देखो भाई तुम, निसान GTR का पूरा कलेक्शन, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का कलेक्शन, यहाँ पे माजडा RX-7 का कलेक्शन है, और ऊपर चल के और दिखाता हूँ मैं तुम, अरे यार वो देखो दिख रही थी तुमको पोर्श, हल्की सी दिखी थी ना पोर्श, पोर्श खड़ी है वहाँ पे। मेरे हिसाब से अपने को जब तक कोई कस्टमर आया ना चल के सो लेना चाहिए, मैं सोता इसलिए हूँ भाई जल्दी जा जाके, कि चक्कर ये है कि मतलब ड्रैग रेस में कार्स वगैरह चेंज हो जाती है, और जैसे मान लो कि कहीं पे अगर कोई ऑडी मतलब वो ऑक्शन के अंदर अपने को डॉज वाइपर वगैरह मिल जाए भाई, अगर कई बार ऑक्शन जल्दी टाइम का आ जाए तो अपन ऑक्शन अटेंड करके कार देख सकते हैं यार, क्योंकि भाई मैंने देखा यार नेबरहुड वगैरह में कई बार सुपर कार्स आती है, मैंने कई वीडियोस में देखा, लेकिन पता नहीं क्या है अपने में क्यों नहीं आ रही भाई, क्या दिक्कत है। कस्टमर इन द ऑफिस और कार मार्केट प्लेस ओपन बता रहा है, दोनों जगह अपन चल चलेंगे, पहले अपन एक काम करते हैं, बस का ही तो खर्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपन यहीं से सीधा कार मार्केट निकल लेते हैं, कार मार्केट में एक बार देख लेते हैं चल के कोई अच्छी कार खड़ी है क्या भाई, नहीं है जी नहीं है, रेयर रेस्ट कार तो कोई नहीं है, पोर्श जरूर है और एक ऑडी टीटी ज़्यादा आती है, लेकिन नहीं भाई पोर्श अपन एक ले लेते हैं अपने कलेक्शन के लिए, ठीक है। बताएं मैडम आप सही प्राइस दोगे तो मैं ले लूँगा, मैडम ने 158 लगाए, एक काम करता हूँ मैं इसको मैडम को 120 का ऑफर देकर देखता हूँ, मैडम 120 में दे दो बिल्कुल परफेक्ट प्राइस दिए, क्योंकि मैडम आपकी कार थोड़ी डैमेज है, मुझे इसको रिपेयर वगैरह भी करवानी पड़ेगी, अरे यार नहीं मानना, चलो मैडम मैं आपको 130 का ऑफर देता हूँ, 130 मेरे हिसाब से परफेक्ट है मैडम, ओके मैडम ने दे दी अपने को 130 में, और इसको अपने को सीधा भेजना चाहिए रिपेयर में, ठीक है। और तो यार मतलब कुछ ऐसी स्पेशल कार है नहीं, अपने को चलना चाहिए सबसे पहले तो अपने उसमें डीलर में अपने कस्टमर खड़े हैं, ठीक है, उनको अपने बेचते हैं ऑडी R8, फिर एक बार ड्रैग रेस में और देखते हैं भाई ड्रैग रेस में चल के कि क्या पता भाई कोई माजडा वगैरह खड़ी हो, ठीक है, कस्टमर आना चालू हो चुके हैं। और लास्ट ओहो भाई ऑडी R8 पे काफ़ी सारे कस्टमर से बताएं, हेलो सर हाउ आर यू, बताएं सर आप मेरे को इस कार का कितना देंगे, सर $8,00,000 लगाए मैंने बिल्कुल परफेक्ट लगाई, 688-7 तो दे रहे हैं अपन, सर को 7.5 का बार्गेनिंग करके देखते हैं, 7.5 में लेके जाते हैं सर, $7,50,000 में आप लेके जा सकते हो,
मेरे से ओके परफेक्ट सर को अपन ने कीज दे दी है, कार बिक चुकी है ठीक है। अब अपन चलते हैं भाई, अपने एक बार कहाँ गई वो अपन लेके आए थे ना पोर्शो के, पोर्शो वहाँ खड़ी है यार, ऑडी आर इतनी भाई अपन GTR लेके चलेंगे, GTR लेके चलते हैं और एक बार ड्रैग रेस में चल के देखते हैं क्या पता वहाँ पे यार कोई अच्छी कार खड़ी हो। फटाफट से नॉस मारो भाई, तुम एक बार फ्लेम देखो यार GTR के, मतलब एग्जॉस्ट में से जो फ्लेम आती है ना कलर का भी, ब्लू ऑरेंज रेड मिक्स गजब, मतलब अल्टीमेट भाई। पोर्श खड़ी है, इनसे बात करते हैं मैडम बैटिस कार कर लोगे क्या? मैडम GTR से बैटिस कार करेंगे आप? मुझे पोर्श लानी पड़ेगी मैडम, नहीं तो आप कर लो इससे। अरे यार मैडम इससे कर लो, एक ही बात है मैडम, वो तो एक ही बात है, हारना तो है ही आपको, इससे कर लो। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन एक काम करते हैं, देखो इसको GTR को लेके चलते हैं, इस पोर्श को रहने दो भाई, पोर्श लेना अपने लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, पोर्श वगैरह तो वैसे भी आती है। अरे भैया आराम से, ये कार तो पटाखे के जैसे छूट के भगती है, ये देख रहे हो तुम, ये देखो बहुत बढ़िया ठीक है। और इस कार को अपन ले जाके अपने शोरूम में खड़ी करते हैं। डांस कर गई भाई निशान, GTR ने डांस कर दिया है, ओके परफेक्ट। इसको अपन अंदर इसलिए खड़ी कर देते हैं, एम्प्लॉय वगैरह भाई अपनी कार को क्लीन कर देगा, कार वगैरह अपनी क्लीन रहनी चाहिए शोरूम के अंदर यार, लेंगे तुम डीलरशिप का नज़ारा तो देखो ठीक। एक से एक सुपर कार, मतलब सामने लैम्बोर्गिनी का कलेक्शन, माजडा RX-7 और यहाँ पे GTR ट्रक खड़ा है सामने, और एक ही ऑडी R8 है। इस ऑडी R8 को अपन ऊपर कलेक्शन है ना उसमें पहुँचा देते हैं चल के, गंदी हो रही इसको कोई नहीं, अपन खुद ही क्लीन कर देंगे ऊपर चल के, प्यार से चल के इसको लिफ्ट पे खड़ी करते हैं। जगह है क्या? थोड़ी सी ही जगह चाहिए, परफेक्ट आराम से आ चुकी है, इसको यहाँ पे खड़ा करके उतरते हैं और एलिवेटर को ऊपर कर दीजिए भैया ठीक है, इसमें बैठते हैं चल के लिफ्ट। ओहो ब्रेक की आवाज़ देखो तुम कैसी आती है भाई, शाऊ क्या आवाज़ करते हैं ब्रेक ठीक है, देख रहे हो तुम ब्रेक की आवाज़ देखो भाई, मतलब नीचे तक आवाज़ जाती होगी, मतलब अपन ऊपर किसी कार में ब्रेक मारेंगे ना नीचे तक आवाज़ जाती होगी, इतनी शानदार ब्रेक लगते हैं यार कार के अंदर ठीक है। ये लो परफेक्ट, इसको थोड़ा एक बार पानी मार दें यार, मतलब इतनी महंगी ऑडी आर एट नहीं है भैया, ऑडी आर एट को ज़्यादा ही महंगी कार है, और इतना शानदार पेंट वेंट हुआ है तो क्यों ना इसको यार, इसको थोड़ी सुंदरता इसकी खिला दी जाए भाई, इसका बोनेट वगैरह क्लीन कर दो भैया, और कहीं से भी गंदी परफेक्ट, और कहीं से भी गंदी है नहीं है, इधर से तो कोई गंदी नहीं है, और इधर से मेरे हिसाब से साफ़ हो चुकी है ठीक है। अपने शोरूम के अंदर इतनी महंगी महंगी कार्स खड़ी तो भाई क्लीन तो होनी चाहिए ना, सामने से कोई देखे तो यार मतलब ऐसे जाए ना तो ऐसे शाइन मारनी चाहिए आंखों के अंदर ठीक है। ऑरेंज कलर है, ब्लू है, गोल्डन है, पिंक है, येलो है, ब्लू है, पर्पल सा है, ग्रीन, इतनी सारी कार्स हैं। और यहाँ पे पोर्श की अलग लाइन, पोर्श की भी लगा देंगे भाई धीरे धीरे, पोर्श की कमी पड़ रही है, पोर्श भी लगा देंगे ठीक है। लिफ्ट से ही अपन नीचे चलते हैं, लिफ्ट को नीचे ले जाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मान लो और अपन कोई कार लाएं तो अपन ऊपर कैसे आएंगे ठीक है। आज की इस वीडियो में अपना जो मेन टास्क था ना भाई, मतलब मैंने ये सोचा था यार नेबरहुड से कितनी भी कार्स है ना भाई सारी सब कार्स को परचेस करके अपन सेल कर देंगे, वो तो अपन ने कर दिया, और उसके साथ साथ भाई ऑक्शन से भी अपन ने सारी कार्स को ला के यार मतलब सेल कर दिया। तुम देख रहे हो भाई मतलब कितना मज़ा आया ठीक है। मेरे को तुम कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना अपन नेक्स्ट गेम कौन सा ट्राई कर सकते हैं, कोई नया गेम तुमको पता हो तो तुम बता सकते हो ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अपन ने कार्स वगैरह सेल करी ठीक है भाई। आई होप दोस्तों यार आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सबसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।